हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज़ शिवम मिश्रा। एक बार वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में जानेंगे, जो कि डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है, जो कि भारत की हैं। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 का ये डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन भारत की हैं और ये एक इंडेंजर्ड कैटेगरी के पक्षी हरगिला के संरक्षण से संबंधित कार्य कर रही हैं। हरगिला पक्षी ये असम में पाया जाने वाला एक पक्षी है। डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन के द्वारा असम में एक हरगिला आर्मी की स्थापना की गई है, जिसमें बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन करती हैं, क्योंकि हरगिला पक्षी से संबंधित बहुत सारी रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत सारे उत्सवों या जब हरगिला पक्षी कोई बच्चा देता है तो उसके लिए बेबी सावर जैसे महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। और इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे महोत्सव या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके थ्रू लोगों में जो इनके प्रति रूढ़ियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें और इनका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि जो हरगिला पक्षी हैं ये बहुत ही कम संख्या में अभी बचे हुए हैं। ये इनकी टोटल संख्या अगर देखी जाए तो 1200 की संख्या में अभी बचे हुए हैं, जिनमें से 900 तो केवल असम में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। ये स्कैवेंजर कैटेगरी के पक्षी हैं। स्कैवेंजर कैटेगरी के पक्षी हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखते हैं, जो भी मृत जीव हैं उनका सेवन करते हैं, जिससे जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहता है। जो हरगिला है, इस हरगिला असम में इसका अर्थ होता है हड्डियों को निगलने वाला, यानी कि द बोन सोलोवर। द चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 जो दिया गया है, तो चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। वर्ष 2005 से यूनेप के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पीएम मोदी को भी दिया जा चुका है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू गाइज़, धन्यवाद।